खबरों में आगे बढ़ते बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां पर ईडी का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल लक्ष्मी कार्ड्स इन कंपनी की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने जब्त की है संपत्ति, 32 करोड़ की संपत्ति ईडी की तरफ से जब्त की गई है। बैंकों के 7,377 करोड़ हड़पने का आरोप जो है वो लगा गया है। छत्तीसगढ़ में खरीदी थी कृषि भूमि। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है ईडी की तरफ से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ठीक है, एक बार फिर से प्रवीण का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बेटे, लक्ष्मी कार्ड्स एक कंपनी है जिसने 7,377 करोड़ रुपए का लोन बैंक से, सीबीआई बैंक से लोन लिया था। इसको लेके और इन लोगों ने जमीन कहीं बाहर खरीद ली और इन्वेस्टमेंट बाहर कहीं कर दिया। इसके बाद से लगातार नोटिस गई, उसके बाद भी ये लोग कहीं हाजिर नहीं हुए और कृषि जमीन वहां पर खेतिहर जमीन एक ले ली थी, जिसके बाद में क्योंकि गलत तरीके से लोन किया गया था तो दिल्ली के जो है सीबीआई बैंक के मैनेजर ने यहां पर एक FIR 2010 में दर्ज कराई, 2018 में दर्ज कराई, जिसके बाद में मामला ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ। तब से लगातार जांच चल रही थी, उसके बाद में कल ईडी कानपुर पहुंचती, छापेमारी करती है और 32 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त कर लेती है। जी ठीक है प्रवीण, अभी 32 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। ईडी की तरफ से जब आगे एक्शन लिया जाएगा तो ये माना जा सकता है कि आगे भी कई और संपत्तियों पर ईडी की नजर पड़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।